नमस्कार, आप देख रहे हैं सॉवरेन टीवी और मैं हूं आपके साथ तुषार। पाकिस्तान ने 2012-13 में 2 T20 और 3 वनडे मैच खेलने के लिए भारत का दौरा किया था। यह आखिरी बार था जब ये दोनों पक्ष किसी द्विपक्षीय श्रृंखला में मिले थे। तब से कट्टर प्रतिद्वंदियों का केवल ICC आयोजनों और एशिया कप में ही आमना सामना हुआ है। भारत ने हाल ही में संपन्न एशिया कप 2023 में खेलने के लिए पाकिस्तान की यात्रा करने से इनकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप एशियाई क्रिकेट परिषद ACC ने कुछ मैच श्रीलंका को देने का फैसला किया और मैन इन ब्लू ने अपने खेल खेले। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि PCB ने चीजों को गंभीरता से लिया और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के अधिकारियों को अपने देश में आयोजित होने वाले एशिया कप के कुछ खेलों को देखने के लिए आमंत्रित। BCCI अध्यक्ष रोजर बिनी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान का दौरा किया और स्वदेश लौटने के बाद उनके आतिथ्य की सराहना की। यह PCB द्वारा भारत के साथ खराब रिश्तों को सुधारने के लिए उठाया गया कदम। उस दिशा में एक और कदम जब PCB प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जका अशरफ द्वारा उठाया जा रहा है, क्योंकि 71 वर्षीय ने BCCI को जिन्ना गांधी द्विपक्षीय श्रृंखला का विचार प्रस्तावित किया है। अशरफ ने उल्लेख किया कि दो क्रांतिकारी नेताओं मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के नाम पर रखी गई ट्रॉफी SS के बराबर हो सकती है। अशरफ ने ARI न्यूज चैनल को बताया, मैंने BCCI को SS की तरह वार्षिक गांधी जिन्ना ट्रॉफी खेलने का प्रस्ताव दिया है। भारत और पाकिस्तान इस श्रृंखला के लिए एक दूसरे का दौरा कर सकते हैं। मैंने BCCI को सुझाव दिया कि हमें जिन्ना गांधी ट्रॉफी आयोजित करनी चाहिए। दूसरी ओर BCCI ने बार बार कहा है कि पाकिस्तान का दौरा भारत सरकार की मंजूरी पर निर्भर करता है। बाबर आजम एंड कंपनी इस समय भारत में है क्योंकि वे वनडे विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। दोनों पारंपरिक प्रतिद्वंदी 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगे। अब कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।